सर मैं प्रोग्राम हॉल से बात कर रही थी, आपका सर 3 बजे का टाइमिंग था ना, तो सर आप निकल गए। नहीं तो मेरा कोई टाइमिंग नहीं था सर। निकल गए कि नहीं, आपका जो 3 बजे का प्रोग्राम था सर, आपके गिफ्ट के रिगार्डिंग सर आपको कॉल आया गया था ना। नहीं आया था सर ये जो सेजल सोनू गुप्ता आपके बच्चे ना सर, अंकल बात कर रहे हो ना उनके? नहीं नहीं मेडिकल में सर आप बिजनेस करते हो ना? नहीं आपका नहीं सर प्रोग्राम था 3 बजे का, आपके सर जो गिफ्ट है ना वो ना सर क्या हुआ? मैडम आपको समझ में नहीं आ रहा है, कौन सी भाषा में समझोगे? ना बोल रहा हूँ ना, मेरे पास कोई कॉल नहीं आया है। सर पहला हाँ क्यों बोला फिर आपने कि आप आ रहे हो? आपके सर जो गिफ्ट है वो रेडी हो चुके। कौन सा हाँ बोला सर? मैंने मैंने कंफर्म किया था तो आपने कहा था सर मैं कंफर्म आऊंगा। किसके साथ कंफर्म हुआ? आपकी मिसेज के साथ। मेरा है ही नहीं मिसेज, तो कैसे मिसेज के साथ बात हो गई आपकी? बात हो चुकी है, ये नंबर पे मैंने कॉल किया था, ये व्हाट्सएप नंबर ही है ना सर? हाँ तो व्हाट्सएप नंबर पे आपको एड्रेस और एंट्री कोड सेंड कर दिए। स्क्रीनशॉट लेके भेजो वापस मुझे। क्या बोल रहे हो सर? आपने मैसेज भेजा है उसका स्क्रीनशॉट लेके भेजो मुझे। अच्छा सर ये व्हाट्सएप नंबर ही है ना? हाँ आपको सर एड्रेस और एंट्री कोड वापस में भेज रही हूँ, एक बार चेक कर लीजिए। अच्छा 3 बजे का जो फैमिली अवेयरनेस प्रोग्राम है ना उस पर सर आपकी बुकिंग हो। हेलो सर ये नंबर पे बात हुई थी कि नहीं? नहीं हुई थी। तो आप सेजल गुप्ता के अंकल नहीं बोल रहे ना? नहीं बोल रहे। एक मिनट है सर। उमरगांव में सर फोन लगाए ना ये? उमरगांव में फोन लगाया ना सर ये? नहीं नहीं। तो सर किधर लगाया? अहमदाबाद में किधर लगाए? अहमदाबाद लगाए। अहमदाबाद में उमरगांव में लगाए ना सर? नहीं बात नहीं हुई थी मेरी सर थोड़े टाइम पहले ही नंबर पे ही। नहीं हुई थी, आप फालतू टाइम वेस्टेज ना करो। इसी प्रकार भोले भाले लोगों को फंसाया जाता है और भोले भाले लोग फंस जाते हैं गिफ्ट के चक्कर में। ये एक फ्रॉड कॉल है और इसके अंदर लोगों को फंसाया जाता है, फिर वहाँ बुलाया जाता है प्रोग्राम हॉल के नाम पर, गिफ्ट देने के नाम पर, और वह उनके साथ में ठगी की जाती है। सावधान रहिए ऐसे कॉल से। धन्यवाद।